देवास में 27 मार्च से कर्फ्यू लगने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और शहर में लगातार गश्त कर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि घरों में रहे, जिससे उनके साथ उनके परिवार की भी सुरक्षा कोरोना वायरस से हो सके। इसको लेकर जिला प्रशासन ने उज्जैन चौराहे पर एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें SP कलेक्टर सहित आला अधिकारी अपने हाथों में तख्ती लिए खड़े थे, जिस पर लिखा था कि देवास पुलिस, हम आपके लिए मौत से लड़ेंगे, क्या आप हमारे लिए घर पर रह सकते हैं। इस तरह के स्लोगन लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास प्रशासन ने किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में रहकर प्रशासन को सहयोग करें। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन ने पहले 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन जनता के लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करने को लेकर गुरुवार की रात को कलेक्टर ने 27 मार्च से देवास जिले में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद में 27 तारीख को लोगों को सुबह 8 से 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई थी। इस दौरान लोगों ने जरूरी सामान बाजार से खरीदे। हम सभी लोग मिलकर कोरोना वायरस के संक्रमण की जो स्थिति बनी है उससे जूझ रहे हैं और अपने सभी नागरिकों को उसके लिए अवेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये कैंपेन उसी का एक हिस्सा है कि लोगों में जागरूकता है, उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना है और खासतौर पर इस समय हम मैसेज दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा आप सब जानते हैं कि देवास में कर्फ्यू भी लागू किया हुआ है, तो सभी नागरिक उसका पालन कर रहे हैं और चाहेंगे कि जब तक ये आदेश लागू रहे तब तक उसका सख्ती से पालन। आज हम सब लोग मिलकर एक ही मैसेज दिए हैं सभी को, स्टेट लॉक वी आर देयर फॉर यू। बार बार हम लोगों का यही अपील है आप लोगों से, प्लीज स्टेट लॉक, हम लोगों के लिए टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ, आप सुरक्षित रहें। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।